हिलके देखो, एंड वी हैव बीन टोल्ड टू स्टे अवे। एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई सुनामी या ऐसे कुछ आया हो, काफी बंजर बंजर टाइप है। श्रीकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड अभी मैं वॉशिंगटन स्टेट में हूँ और हम लोग आज ओलंपिक नेशनल पार्क जा रहे हैं। यूएस में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, अपार्ट फ्रॉम सिटीज़, अगर आप नेचर के पास जाना चाहते हो तो वो नेशनल पार्क्स होते हैं। कल मैंने शूटिंग नहीं की, लेट्स बी ऑनेस्ट, कल मैंने ना बहुत मज़े किए लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं क्योंकि आज काफ़ी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें लाइंड अप हैं। ये हमारी गाड़ी है जो हमने भाड़े पे ली है। ये प्रशांत है। हेलो, मजा आएगा आज? हाँ यार, आज काफी मजा आएगा। आज हम एक रेन फॉरेस्ट जाने वाले हैं, आज हम बीच जाने वाले हैं, आज हम एक लेक पे भी जाने वाले हैं। आई एम होपिंग जब आप हमारे साथ हो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हम लोग ना कल यहाँ पे आए थे और हम लोग इस वाले रूम में रुके थे। ये मोटेल होता है तो ये होटल से थोड़ा सस्ता होता है, कुछ ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं होती। $100 के आसपास आपको रूम मिल जाता है। तो अगर आप रात को सिर्फ सोने आओ ना तो ऐसी जगह रुकना। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि रास्ते बड़े अच्छे हैं और मतलब रोड्स ऐसे लगता है ख़त्म हो जाएंगी बट फिर वो टर्न आ जाता है और ग्रीनरी भी बहुत सारी है। एंड अभी बस फॉल आने वाला है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रास्ता। तो हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। दिस इज द क्रेसेंट लेक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एकदम मिरर लेक टाइप फिनिशिंग है इसकी। फिनिशिंग इज द राइट वर्ड टू से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट अच्छा लग रहा है यार। जैसे हम लोग नैनीताल जाते थे प्रशांत, नॉर्थ चुकिया ताल, सात ताल, भीमताल, तो वैसा सही कुछ है। बट आई थिंक इट्स नॉट लाइक कमर्शलाइज, इट्स लाइक प्लेन ग्रीन, मतलब कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। और हम लोग पता है उसी के आसपास से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं एंड आगे भी ड्राइव करना है इसके अलोंग द लेक पूरी पूरी रहेगा हमारी। और पता है मैंने आगे पढ़ा कि ये जो पानी है ना सारा लेक पे, ये सारा का सारा पानी ग्लेशियर से मेल्ट होके आ रखा है तो काफ़ी प्रिस्टीन है ये लेक। एंड अब मैंने स्टाइल मारना आई थिंक बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। सो आई एम गोना वेयर अप समथिंग। हम लोग एक बार और रुक गए और हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं यहाँ पे। हमारे पास ब्रेकफास्ट में ऐसा छोटा सा पैकेट है। छोटा है बड़ा है? काफ़ी बड़ा है यार ये। सारा नहीं खा पाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोग ऐसा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाने वाले हैं। एंड हम लोग लेक के पास ही हैं। रास्ता बहुत अच्छा था रास्ते में, मतलब मैं तो ऐसे हो जाती हूँ ना, मतलब मुझे लगता है ये क्या है यार, बहुत खूबसूरत एकदम ग्रीनरी और ऐसा मतलब लंबे लंबे पेड़ और उसके बीच में से हम आ रहे थे। और यहाँ पे हम बैठेंगे और यहाँ पे ये व्यू है, कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। सो यू कैन ओपन अप नाउ द फूड। आई एम रियली रियली हंग्री। प्रशांत व्हाट हैपेंड? Is it wet? Yeah, it's wet. Prashant sir. So we'll have to. Ow. So we'll have to clean it. We have to clean up and then we wanna sit. ब्रेकफास्ट में हमारे पास ये MTR का उपमा, इसमें गर्म पानी डालो और ये मस्त बन जाता है। थोड़ी सी राइसबेरीज, केला, आर्टिचोक डिप, चिप्स, एक अमेजिंग व्यू और नेक्टरीन, क्योंकि वो यहाँ सामने रख नहीं सकते थे, गंदे हो जाते। तो शो ऑफ नहीं करते प्रशांत हम, क्या थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं। इंस्टाग्राम में करना पड़ता है। तो मेरा तो ऑनेस्टली पेट पूजा के बाद ना मन ही नहीं कर रहा जाने का। प्रशांत लाइक आगे कुछ अच्छा मिलेगा ऋतु उठ चल, ठीक है विद द प्रॉमिस प्रशांत आगे कुछ इंटरेस्टिंग होगा। हम यहाँ से जा रहे हैं अदरवाइज, मतलब मेरा पता है क्या मन करता है कि मैं चिल करूँ। मतलब ऑफकोर्स मुझे घूमना पसंद है बट मुझे टिक मार्क्स वाली चीज़ें नहीं पसंद कि ये भी करना है वो भी करना है, तो हम वैसे ही मिनिमलिस्टिक जगहों पे जाते हैं। बट आज हम और कहीं जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़, दिस इज़ अ फोल्डेबल कायाक, तो ये फोल्ड करके फुल पैक हो जाती है एंड फिर उसके बाद आप ऐसे जा सकते हो। कूल है यार, मतलब फर्स्ट टाइम देखिए। हम भी ले लें, ले सकते करेंगे क्या उसका? रोज जाएंगे हमारे घर के नीचे, हमारे घर के नीचे रोज चले जाएंगे। तो हम लोग ना आगे आ गए हैं, मतलब हम लोग वहां बैठे थे और वहां से हम लोग आगे आ गए हैं। एंड प्रशांत घर चलने का मन अब किसका नहीं कर रहा है? किसी का भी नहीं कर रहा है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो कभी नहीं होता, ऋतु का भी नहीं कर रहा। और एक और चीज, लुक एट इट,
कितना ज्यादा डीप पानी है और उसमें ट्रांसपेरेंट है। हाँ, पानी ऐसा लग रहा है ग्लास फ्लोर है, उसके नीचे देख रहे हैं हम लोग। बहुत सही लग रहा है एकदम, वो एक्वा ग्रीन कलर है और नीचे कुछ ऐसे वुडन ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे। और ये यहाँ से व्यू है, ऑफ कोर्स द रिफ्लेक्शन लुक्स नाइस बट नीचे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने ऐसा इतना क्लियर वाटर कभी देखा नहीं, सो फॉर मी इट्स लाइक अ डिफरेंट कलर मैन। बहुत सही लग रहा है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर जा रहे हैं और वो हमारी सेकंड लोकेशन है। सो वी गोना स्टे देयर ओनली प्रशांत आज? हम उसके पास रुकेंगे ऑब्वियसली, जंगल में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, जंगल के अंदर नहीं रुकेंगे बट जंगल के पास रुकेंगे। कूल। प्रेजेंटिंग टू यू हो रेन फॉरेस्ट। अभी हम लोग रेन फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर लिया हमने। एग्जैक्टली जहाँ जाना है हमें वो लोकेशन ऑलमोस्ट 22 मिनट दूर है। बट लुक एट इट यार, ये बहुत खूबसूरत है। ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं और उन ट्रीज के बीच में से हम निकल के आगे जा रहे हैं। एंड ऊपर भी मस्त कैनोपी है, मतलब आपको ऐसे आसमान ढंग से दिखेगा नहीं, मतलब ऊपर काफी ज्यादा ग्रीनरी है। दो ऑप्शन ट्रेल के, ये है स्प्रूस नेचर ट्रेल जो कि 1 माइल की है। और ये है हो रिवर ट्रेल जो कि 17.5 माइल की है। आपको कौन सी करनी है? 17.5 माइल वाली। हम मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूँ और अपने घर ना जाऊँ और यहाँ से ही फिर मैं ऊपर चले जाऊँ। प्रशांत नहीं, हम जाएंगे इसमें, दिस इज अपने लिए छुटपुट ट्रेल औकात के हिसाब से। एंड ऐसी जगहों पर वॉक करके यार मतलब बहुत कूल लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है यार। मतलब लुक एट इट, हम लोग ऐसी जगहों पे वॉक कर रहे हैं एंड काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आसपास सारा ग्रीन है, ऊपर सारा ग्रीन है, नेचर के बिल्कुल पास, मतलब इससे ज़्यादा पास आप कहाँ जाओगे। अलग अलग तरीके की ट्रीज़ हैं, ये जो स्पेशली रेन फॉरेस्ट में होता है वो है। तो हमने कहीं पढ़ा इनके पास न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा होते हैं ना कि वो नीचे से लेने इससे ज़्यादा ऊपर ही थ्राइव कर जाते हैं। मतलब उन्हें जड़ों की रूट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिना रूट्स के हवा में ही ग्रो कर जाते हैं किसी पेड़ के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पेड़ के ऊपर इतने सारे होते हैं ये। कुछ ट्रीज तो मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब ये जो इनकी ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा फैली हुई है और इतने इतने पेड़ और उगे हुए हैं इनके ऊपर, घासेस ग्रासेस और प्लांट छोटे छोटे उगे हुए हैं, इतने सारे उगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीज हमने देखे जो मतलब नीचे से एक है बट ऊपर जाते जाते ऐसा बरगद टाइप हो जा रहा है एंड दे लुक ब्यूटीफुल मैन। अच्छा, ये वाला जो जंगल है ना हमें बहुत ज़्यादा अमेज कर रहा है। ये जो ट्री का ट्रंक है वो गिरा हुआ है, मतलब ये ट्री ऐसे था अब ऐसे गिर गया और इसी ट्रंक में से ऊपर बहुत सारे पेड़ निकल गए। दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन। मतलब कुछ पेड़ यहाँ से निकल रहे हैं, ये सारे के सारे जो पेड़ हैं उनकी जड़ ये वाला जो ट्री है उसका बेस है। This is amazing. यहाँ पे एल्क है देखो, and we've been told to stay away, so we are just a little away. हम लोग बस यहीं से निकले हैं and अब हम कट रहे हैं। ठीक है, इतना we can be like this far, this far okay. ना 50-100 feet दूर रहो तो it's fine. बैक, हम लोग अपने मोटेल गए थे एंड वहाँ पे हम 2 घंटा सोए एंड यू कैन सी मेरी आंखों में थोड़ी सी नींद है बट प्रशांत ने मुझे उठा दिया और प्रशांत ने लाइक नहीं चलो एंड आई एम लाइक ओके लेट्स गो, दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, कल सुबह हम वापस चले जाएंगे। एंड अभी हम लोग बीच जा रहे हैं और लास्ट और बीच का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, तो वही मतलब बहुत सारे पेड़ वैसी लाइट और वहाँ पे बहुत ज्यादा भी सन है तो हम सनसेट देखने जा रहे हैं। जब मैं उठ के आई उसके हिसाब से प्रशांत अच्छा होगा, आई एम ब्लाइंडेड बाय द सन मैन, आह नाउ आई एम बैक। सो आई एम होपिंग कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो हमने गाड़ी पार्क कर ली है और हम यहाँ पे आ गए हैं एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई सुनामी या ऐसे कुछ आया हो, काफी बंजर टाइप है। ये होता है ट्री ग्रेवयार्ड। मैंने मतलब ऑनलाइन पढ़ा था इसका डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे खूब सारे ये लॉग्स टूट टूट के गिर के यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं बीच पे। हाँ, तो पानी से आए हुए हैं ये। हाँ, वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग।
इन लॉग्स के बीच में से समुद्र की तरफ जा रहे हैं जो कि है उधर। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं यार ये, मतलब आई थिंक बहुत बहुत सालों से यहीं पड़े हैं, इनकी हालत थोड़ी टाइट है, भूतिया घर लग रहा है ये, बट ठीक है। पानी की गड़गड़ाहट के बीच में मैं और प्रशांत ऐसे ही घूम रहे हैं और वेव्स बहुत डीप है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर तक आ रही है और जब गिर रही है तो टाइप हो रहा है। मस्त बीच है, मतलब दिस इज नॉट अ कमर्शियलाइज बीच, यहाँ पे कबानास वगैरह वो सब चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पीछे को वो मरे हुए पेड़ पड़े हुए हैं, उधर वो है, बहुत सारे पंछी है, पंछी उड़ रहे हैं और पीछे को मस्त मस्त रॉक फॉर्मेशन है, मतलब थाईलैंड टाइप फील है। लोग अभी सनसेट का वेट कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक कलर्स दिखने वाले, दिस इज द फाइनल व्यू, वी आर हेडिंग आउट होम एंड आई एम होपफुल कि आपको अच्छा लगा होगा। प्रशांत पसंद आया होगा क्या? आई एम होपिंग अच्छा लगा। हमने मेहनत की, देखो हमने घूमा भी, हमने साथ में व्लॉग भी बनाया, आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट पसंद आया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। छोटू की थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो उसके लिए क्या, कुछ भी नहीं, वेल विशेस। हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा देना। बाय बाय।